गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप दोस्तों? आप देख पा रहे होंगे अभी मैं 9 बजे उठा हूँ और अभी माउथ वाश भी नहीं किया है, किचन में खड़ा हूँ और अभी जो समय हो रहा है वो 10:11 सॉरी 10:44, मतलब कि 11 बजने वाला है। और आप आलसपना की हद देख रहे हो कि मैंने पार करके अभी तक कुल्ला नहीं किया है, लेकिन 9 बजे उठा था तब से मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि सारी चीजें गंदी पड़ी थी, बर्तन गंदे पड़े थे, बर्तन धुल दिए और किचन पूरा साफ कर दिया, क्लीन देख सकते हैं आप पूरा। अब क्या करना है, रूम अपना दिखाते हैं। देखो यार, बैचलर लाइफ है, मजे लेने। बैचलर मतलब होते बैचलर क्या, जो रूम पे रहते हैं लोग, वो लड़के पहली बात तो न सुलाने वाला है ना कोई जगाने वाला है, जब मर्जी हो खाते हैं पीते हैं उठते बैठते हैं, रात के 2-2 बजे सोएंगे तो फिर क्या होगा यार, लेट तो उठेंगे। अब तुमको रूम दिखाते हैं अपना, देख के सॉफ्ट हो जाओगे। इस समय देख सकते हो भाई, झाड़ू वगैरह नहीं लगाई है, झाड़ू वगैरह सब लगानी। ये देखो इधर कपड़े पड़े हैं, ये आए थे रात में, बस उठा करके इसे कपड़े उतार करके डाल दिए। ये बैग पड़ा है इधर, चेयर पे टॉवल पड़ी है, फिर पावर बैंक, ईयरफोन, कंबल, उधर 2 कंबल पड़े हैं, ये उल्टा पुल्टा देख सकते हो। इसे बोलते हैं बैचलर लाइफ। तो फ्रेंड्स, इट्स कॉल्ड बैचलर लाइफ। देख सकते हो साफ रूम की दुर्दशा बनी पड़ी है, अभी कुछ नहीं किया है, बस अब सफाई करने वाले हैं और सफाई करने के बाद में भी आपको दिखाएंगे कि रूम कैसा हो जाता है। सो पहले माउथ वॉश, उसके बाद में सफाई और फिर कमाई और फिर पढ़ाई और लिखाई। अरे ये तो लाइन बन गई यार। सो फ्रेंड्स, अब हमने नहा लिया है और देख सकते हो आप थोड़ा पहले से अच्छे लगने लगे हैं और रूम भी अपनी जगह व्यवस्थित हो चुका है। देखिए चारपाई वहाँ खड़ी कर दी है, बेड जो चारपाई है, और इसके बाद में जो इसके ऊपर जितने भी कपड़े थे सब पीछे अलमारी में रख दिए हैं। बेड पे देखो सारी चीजें, पिलो, कंबल, सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित हो चुकी हैं, चेयर और सब क्लीन हो गया बिल्कुल रूम, ठीक है। तो अब सब व्यवस्थित हो चुका है और अब वेट कर रहे हैं हमारे एक बहुत पुराने फ्रेंड हैं, तो पहले वाली कंपनी में मेरे साथ काम करते थे, हालांकि वो मेरे साथ इसमें आए थे लेकिन अभी उसी में काम कर रहे हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं आज, तो उनसे आज मुलाकात करके फिर जाना है आज कल्याणपुर। एक काजल मैम है कल्याणपुर में, उनसे मिलने के लिए, और मेरी टीम के ही एक फ्रेंड है उन्हीं के साथ में, तो शाम तक आप मेरे साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, जैसे आपको बताया था कि मेरे जो पुराने मित्र हैं मुझसे मिलने आ रहे हैं, पहले साथ में काम करते थे, अभी ये वही कंपनी में है, हम अलग कंपनी में वर्क कर रहे हैं, और ये हैं मिस्टर शिवम। काफी दिनों इनके घर एक बार गए भी थे हम, 1-1.5 साल हो गया है और अभी सडनली मिल गए, ये लेकर के आए आनंद भाई, और ये भी किसी कंपनी को स्टार्ट किए हैं रिसेंटली और इंटर में भी पढ़ते हैं, और बेचारे भैया जी देखो बड़ा ध्यान से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो हमने बताया था कि अभी आनंद जी मिलने आ रहे हैं, आनंद जी से मिलने हुए हमको कम से कम 1 साल हो गया, डेली गए थे, तो डेली गए थे हम लोग, तब से नहीं मिले, और देख लो हमारी इसलिए दाढ़ी बच्ची बड़ी हो गई, ये तो ऐसे ही हम साफ करते रहते हैं, ये साफ करते रहते हैं, ये प्लेट का थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्या उसको बोलते हैं, मतलब 1-2 रुपए नहीं लगाना चाहते, मतलब कंजूस आदमी है, कंजूस आदमी 1-2 रुपए भी नहीं खत्म करना चाहते, कहते क्या लुकिंग बन रही थोड़ी, आनंद जी बेइज्जती कर दिया। चलो कोई बात नहीं, बहुत ही फनी है और इनके साथ जब काम करते थे बहुत अच्छा लगता है, आज फिर से मिलकर के बहुत अच्छा लगा है। बाकी किसी भी कंपनी में है, ये पुरानी कंपनी में कोई दूसरी कंपनी में, इससे मैटर नहीं करता, हम लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारे रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग रेगुलर बात करते हैं, और इसीलिए मैं आज मौका लगा तो सर से मिलने आए, और अभी काफी कुछ सीखने को भी मिला मेरे को सर से, अभी कम से कम 1 घंटा हो गया हम लोगों को बैठे बैठे, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी की बात नहीं, ना अपनी कंपनी की ना इनकी कंपनी की, ये पाकिस्तान से हैं, हम इंडिया से हैं, इंडिया से पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, अपने रिलेशन से मतलब है, बातचीत है केवल, बस चाय पी बनाई पिया है। देखो यार उससे मैटर नहीं करता कि इस कंपनी में हो, बस अपने रिलेशन बेस्ट होने चाहिए लोगों के सामने, बस और कुछ नहीं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे कल्याणपुर जाना है और वहाँ एक मैम है काजल, उनसे मिलना है शाम को, वहां दिखाते हैं आपको, चलो मिलते हैं फिर। फ्रेंड्स, मेरे जो दोस्त आए थे वो तो चले गए, और अभी हम नीम की पत्तियां लाए, नीम वाला पानी बनाने के लिए, क्योंकि कल बनाया था तो खत्म हो गया एक बोतल, आज सुबह तक चला, तो अभी फिर से बनाने वाले हैं, बना करके फिर यहाँ से हम अब निकलते हैं, तो चलो 15 मिनट का प्रोसेस है, इसको कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात के 9:05 हो गया है और अभी दुकान पे है मामा की, और मामा जी गए हैं अभी सब्जी लेने कुछ कल के खाने के लिए, और बात रही कल्याणपुर जाने की, जिन में हमसे आज मीटिंग बनवा रही थी वो अभी कैंसिल, तो आज तो जा नहीं पाए, अब कल भी नहीं जाएंगे, शायद परसों जाना रहेगा, और
आज का कुछ खास नहीं हुआ, दिन कुछ खास नहीं रहा, एक दो जगह गए, वहाँ का कुछ हमें सही नहीं लगा, तो हमने वहाँ की आपको कुछ भी क्लिप नहीं बनाई और ना दिखाई। तो अभी दुकान पे हैं, यहाँ से निकलते हैं, दूध हमने ले लिया है, ये दूध रखा है, और घर चलते हैं। घर पे फिर खाना वगैरह खाना है मामा के यहाँ, उसके बाद रूम पे सीधे, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। हाय फ्रेंड्स, सो अभी मामा के यहाँ गया था और खाना वगैरह खा के वापस अपने रूम पे आ गया हूँ, और अभी चेहरा थोड़ा चिचड़ा रहा है क्योंकि बाहर से आए हैं और अभी कुछ कवर भी नहीं किया था, इसीलिए धूल डस्ट वगैरह। तो नाइट वाला फेस वॉश करने जा रहे हैं, फेस वॉश करके फिर आपको मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम फेस वॉश करके वापस आ चुके हैं, अब थोड़ी कूल फीलिंग है, मतलब कि अच्छा लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि जब तक फेस वॉश ना करो बाहर से आने के बाद में रात में, तो ऐसा लग रहा है कुछ अधूरा सा है, मतलब कुछ भूल से रहे हैं। तो फेस वॉश करने की आदत हो चुकी है, और वो करना भी अच्छा रहता है शाम को फेस वॉश, क्यों, क्योंकि बाहर से आते हैं डस्ट धूल सारे पार्टिकल्स घुसे होते हैं, तो फेस वॉश करके अगर कोई क्रीम है तो लगा लो, नहीं अगर है तो नॉर्मली भी कर लो, तब भी अच्छा रहता है और जो फेस है वो बिल्कुल क्लीन हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। सो फेस वॉश कर लिया है, अब बाल बाल थोड़ा सही करके फिर सोएंगे, कि अब तक कोई रात में मिलने आ जाए सपने में, तो वेल मेंटेन होके सोया करो। सो फ्रेंड्स, आज कुछ ज़्यादा नहीं हमने आपको दिखा पाया क्योंकि कहीं जाना नहीं हुआ, और जाना था जहाँ वहाँ कैंसिल हो गया, केवल मॉर्निंग वाला रूटीन और वीडियो मिलते हैं, और गुड नाइट बोलने का समय आ गया है। अगर और इसके साथ साथ सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, आपकी एक लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ऐसे वीडियो आपके लिए और बनाएं। सो बाय, मिलते हैं कल ब्लॉग में।